शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमने तुम्हें 15 मिनट की मोहलत दी थी कि उस कमीने जीत को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं कि हमारा दुश्मन हमें साथ दो, नहीं तो हमारा क्रोध तुम पे टूट पड़ेगा और दोष तुम्हारा होगा। इस गांव को भस्म करने से पहले हम यहां की औरतों और बच्चों का कत्लेआम शुरू कर देंगे। गब्बर सिंह, खबरदार कर गांव के किसी बच्चे मर्द या औरत पर हाथ उठाया। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इन गांव वालों से नहीं। हिम्मत है तो आओ और आकर ले जाओ मुझे, मगर इतना याद रखना जिस तरह मौत बनकर तुम इस इलाके पर मंडलाते रहे हो, आज मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हें ललकारता हूं।
क्या कर रहे हो? गोली बन रहा हूँ। गोली ऐसे मारी जाती है? कैसे मर जाती? अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो बाटली भरना चाहता हूँ। गोली है इसमें? इसमें खत्म हो गई है बस। भागीदारी का उसूल क्या है? क्या है? प्राण जाए मगर बोतल न जाए। बोतल है मैं क्या करूँगा? देख मैं क्या करता हूँ, इसको क्यों बना दे? अरे ये जिसके पेट में जाती है डबल फायर होता है।
मॉम ना। हाँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ माँ। ठाकुर, निहत्ते पे गोली नहीं चलाते। और बाकी जो कुछ थोड़ा मोटा काम किया है तो अजीत देखिए। अजीत बाबू, आपने बहुत बड़ा काम किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ है इन सब गांव वालों की मदद से हुआ। दरोगा जी, अजीत बाबू ने हमको समझा दिया है कि सरकार से कोई भी अधिकार मांगने से पहले हमें अपना फर्ज पूरा करना है। हम खुद अपनी और अपने गांव की रक्षा कर सकते हैं। हमारा गांव हमारे देश का एक टुकड़ा है। यहाँ का हर आदमी, औरत, बच्चा गांव का सिपाही होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये गांव जागा है, कल दूसरा जागेगा और परसों सारा देश जाग उठेगा। हर गांव, हर शहर, सारे देश में अमन का राज होगा और अशांति फैलाने वाली हर जमात का वही हाल होगा जो जबर सिंह की ग्रोह का इंतजार किया।